वीडियो भाई रिमूव हो गई। यूट्यूब से सुबह सुबह बात करेंगे, जो भी होगा। कैरी भी परेशान है यार, हम भी परेशान हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो मुझे लगता नहीं वापस आएगी। कुछ इनका कोर्ट वोट के सीन के थ्रू हुआ शायद, जो भी हुआ। ठीक है यार, अभी चैनल का यार रिस्क तो जो है, मेरे को और किसी चीज़ का डर नहीं रहता। ठीक है अभी, लेकिन शायद कम्युनिटी की वार्निंग ही आई है, स्ट्राइक नहीं आई। और फिर बनाएंगे यार कुछ और नई वीडियो में, इसीलिए यार किसी चीज़ को इतना खींचता नहीं। और भाई मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ रिलीजन बेस पे पॉलिटिकल या कुछ ऐसा बोलूँगा। अब से ओनली नॉर्मी कॉमेडी बस। यार ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगती है, जब झेला नहीं जाता, पब्लिक अपने आप उस पर आ जाती है कि रिमूव करवा रहे। भाई रिमूव करवाने तुम्हारा पूरा चैनल रिमूव करवा दूंगा, पर ऐसा अच्छे थोड़ी लगा किसी की वीडियो रिमूव करवा रहे हो, मेरी वीडियो रिमूव करवा रहे हो। देखते हैं अभी, देखो भाई जो भाई मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो डिलीट हो गई, तुमने डिलीट कर दी। भाई मैं क्यों करूँगा डिलीट यार, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यूट्यूब वूट्यूब का पता नहीं क्या सिस्टम चल रखा है, कम्युनिटी गाइडलाइन, साइबर बुलिंग। भाई देख रहा हूँ अभी, मैटर कुछ होता तो मैं अपडेट करता हूँ। भाई एक चीज़ थी जो आज सही प्रूव होगी, इनकी ना हाय बहुत जल्दी लगती है, समझ गए गाइस? हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, लूट लिया अब तो बहन चो आगे। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, सारे यूट्यूबर की वीडियो डिलीट हो चुकी है, जिन जिन ने डाली थी टिकटॉक वी एस यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने वीडियो डाली थी कैरी मनाटी भाई की। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको उनकी वीडियो नहीं दिखेगी, जो कि यूट्यूब से रिमूव कर दी गई है। लक्ष्य चौधरी की भी वीडियो हटा दी गई है, और साथ ही साथ एल्विस यादव भाई की भी वीडियो हटा दी गई है, जो कि वहाँ से ही मामला शुरू हुआ था। एल्विस भाई ने टिकटॉक का रोस्ट किया था, यानी कि टिकटॉक के जो क्रिएटर्स थे उनका रोस्ट किया था, और वो वीडियो हटा दी गई है क्योंकि मामला तो वहीं से चालू हुआ था। तो साथ ही साथ भाई कई यूट्यूबर्स की भी वीडियो हटा दी गई है, जिन्होंने यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है। और इसके मुद्दे पे कहा जा रहा है कि ये यूट्यूब की तरफ से खुद हटाई गई है, ठीक है। जो कि अभी लक्ष्य चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर भाई पोस्ट भी किया, उनको यूट्यूब की तरफ से मेल आया था कि उनकी वीडियो हटा दी गई है, टेक डाउन कर दी गई है, ठीक है। और कैरी मिनाटी ने अभी तक नहीं बताया है कि वीडियो क्यों हटाई दी है, तो आगे पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे वीडियो क्यों हटाई गई है। वैसे तो मुझे लगता है भाई ये जरूर रिपोर्ट वगैरह मारी गई है, क्योंकि बिना रिपोर्ट के तो भाई ऐसे वीडियो हट नहीं सकती। कहीं कहा जाए तो गाली वगैरह थी वीडियो में, आप सोच रहे होंगे वीडियो में गाली थी तो हट जानी चाहिए, तो दोस्तों ऐसी वीडियो में कहाँ गाली थी। वीडियो तो कैरी मिनाटी भाई अपनी हर वीडियो में ही देते हैं, तो इस तरीके से चैनल की सारी वीडियो हट जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी तो शॉर्ट वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये न्यूज अभी अभी निकल के आ रही है, तो तब तक के लिए तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अमन कश्यप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई जय हिंद, जय भारत।